मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और नवनियुक्त राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नानकवता गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर मत्था टेका और लंगर भी छका। तय समय अनुसार दोनों हेलीकॉप्टर से गुरु नानक एकेडमी पहुंचे, वहां से कार द्वारा नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारा पहुंचे और गुरु घर पहुंचकर मत्था टेका और लंगर भी ग्रहण किया। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा उनको सरोपा व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। उनके साथ रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठगुराल, किच्छा विधायक राजेश शुक्ला, सत्तारगंज विधायक सौरव बहुगुणा सहित अन्य बीजेपी नेता मौजूद रहे। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि महामहिम राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो भी उन्हें जिम्मेदारियां उत्तराखंड राज्यपाल के रूप में दी गई हैं, वो उन पर विश्वास जताते हैं, उस पर खरा उतरने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। राज्यपाल बनने के बाद वो धर्मस्थली गुरुद्वारा साहिब शीश नवास में पहुंचे हैं। यहां पर आकर उन्हें जो सुकून प्राप्त हुआ है, वो गुरु का लंगर छककर जो आनंद प्राप्त हुआ है, वो कहीं और नहीं होता। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, महामहिम राज्यपाल गुरमीत सिंह ने 3 साल का समय बनवसा कैंच में अपनी सेवा दी है। उनका इस क्षेत्र से लगाव है और गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेक गुरु घर का आशीर्वाद लिया है। विशुद्ध रूप से केवल और केवल दर्शन है और माननीय राज्यपाल साहब का इस क्षेत्र से भी बड़ा लगाव रहा है, क्योंकि वो जब अपने सेना में थे, सीओ के रूप में उन्होंने 3 साल का जो समय है वह यहीं हमारे बनबसा में, जो हमारा कैंट है इस बनबसा में, वो सीओ के रूप में यहाँ रहे हैं। तो इस पवित्र भूमि से उनका पहले से जुड़ाव रहा है और अब भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से वो हमारे यहाँ राज्यपाल हैं और विशुद्ध रूप से एक धार्मिक यात्रा का बहुत कॉन्शियस हूँ कि ये जो जिम्मेवारी मिली है, इसमें जो आपका आशीर्वाद है, आपका जो मान प्राइड ऑनर है, मेरे को इसको और आगे लेके जाना है। तो मैंने वाहेगुरु से कितनी सुंदर बात आपने की, उधम सिंह नगर अगर मैं हिस्ट्री देखूं तो जंगलों को काट के, बालुओं को शेरों से लड़ के ये जमीन को सींचा है, अपने खून पसीने से इसको बनाया है। यहां पर शहीद भगत सिंह जी का भी परिवार है, वो शहीद भगत सिंह जी जिन्होंने हमको सब प्रेरणा दी भारत का, आज जो हम एक आजादी की सांस लेते हैं ये उन्हीं के कारण है और इस पवित्र धरती पे उनका परिवार भी। मेरा उनको बहुत बहुत नमन। आज के दिन मैं उन सब वीर योद्धाओं को नमन करता हूं, शहीद भगत सिंह और हरेक गुरु, पहले गुरु जिन्होंने पीरी सिखाई और बाद वाले जो 5 गुरु उन्होंने जो मीरी का सबक सिखाया और आखिर में जो गुरु गोविंद साहब ने निश्चय कर अपनी जीत और गुरु नानक देव जी ने जो नम्रता पूर्वक जो कहा। क्या आप भी परेशान हैं अपने बिजनेस को लेके और ट्रेडिशनल विज्ञापन से? तो आज ही कॉल करें सितारगंज टीवी को और बनाएं डिजिटल प्रोफेशनल वॉइस ओवर विज्ञापन और छा जाएं अपने क्षेत्र में। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें दिए गए नंबरों पर।